मैं एक और कहानी आपके साथ शेयर करने आई हूँ। वही प्यार वाली ही कहानी है, लव स्टोरी है। वैसे मेरी सारी कहानी ना लव स्टोरी ही होती है, और ये कहानी भी ना सिंपल सी लव स्टोरी है। आगे का पार्ट तो वैसे ही एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा ही है, पर इसका जो एंड था ना वो मुझे बेहद खूबसूरत लगा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारी कहानी है। तो ये कहानी है एक सेलर की। सेलर की लाइफ ना बड़ी मुश्किल होती है। सेलर वही होता है जो समंदर में जहाज़ में सेल करता रहता है। तो ये वाली जॉब ना काफ़ी टफ़ होती है। आपको पूरा टाइम जहाज़ पे ही रहना होता है, और छुट्टी आपको साल दो साल में एक ही बार मिलती है, और वो भी बस कुछ ही दिनों की होती है, कि 10 दिन 15 दिन। तो ये सेलर था और वो उसकी पूरी फैमिली थी, लाइक मम्मी पापा छोटा भाई बहन और वाइफ। तो प्यारी सी फैमिली थी और साल दो साल में एक ही बार आ पाता था। तो जब भी आता था तो बड़ा बेटा था तो जिम्मेदारी काफ़ी रहती थी, तो कभी वाइफ को ना एकदम टाइम नहीं दे पाता था, कि जैसे हस्बैंड वाइफ साथ होते हैं। तो वाइफ की ना हमेशा की कंप्लेन रहती थी कि आप तो मुझे देखते ही नहीं हो, या आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है, और हम कभी साथ नहीं रह पाते हैं, और आप अपनी ही जिम्मेदारियों में होते हो, आपको ये तक नहीं पता होता है कि मैंने कल कौन से कलर का सूट पहना था। तो ये सब ना नॉर्मल सी जो बीवियों वाली एक्सपेक्टेशन होती है, वही ये वाइफ के भी एक्सपेक्टेशन थे। और जो हस्बैंड था वो बेचारा क्या करता ना, जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे लदा हुआ था। तो वो हमेशा ना ये सारी कंप्लेंट्स का जवाब प्यार से मुस्कुरा के देता था कि कोई बात नहीं, जब रिटायर हो जाऊंगा ना तो तेरी सारी कंप्लेंट्स ना मैं दूर कर दूंगा। और हर बार का था, और वाइफ भी बेचारी क्या करती, साल दो साल में एक ही बार आते हैं, और वो भी कुछ ही दिनों के लिए, और उसमें भी अगर लड़ झगड़ के रूठ गई और एक दो दिन ऐसे ही बर्बाद कर दिए तो वो टाइम भी बर्बाद। तो वो भी खैर जल्दी मान ही लेती थी, और बस वही वेट करती थी कि कभी अपना भी टाइम आएगा तब देखेंगे। तो जनरली ना शादीशुदा ज़िंदगी में हम ये सोचते हैं कि ये वाली जो इनिशियल डेज होते हैं ना, वो वाला टाइम बस वहीं पे रुक जाए, कभी आगे ना बढ़े। पर इन लोगों की ज़िंदगी भी ना कुछ अलग होती है। इन लोगों की ज़िंदगी में देखो, वाइफ सोच रही थी कि कब ये टाइम जल्दी से ख़त्म हो जाए, और कब वो वाला टाइम आ जाए कि काम से रिटायर हो जाए और फिर आराम से रहें। तो खैर ज़िंदगी ऐसे चलती रही, और काफ़ी टाइम निकल गया, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी छोटे भाई की बहन की, वो सब उन्होंने अच्छे से निभाई। वो भी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए। धीरे धीरे माँ बाप भी चले गए, और ऐसे करते करते टाइम आ गया कि रिटायरमेंट का। तो क्या होता है ना, जो ये जो सेलर वाली ज़िंदगी होती है, उसमें कभी कभी आप समंदर में इतना बीच में चले जाते हो कि आपके कनेक्शन टूट जाते हैं। जो फ़ोन पे बात होती है या नेटवर्क होता है ना, वो कभी कभी आपको कई कई दिनों तक नहीं मिलता है। तो शायद वही रहा होगा कि हस्बैंड को वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे वाइफ के साथ, और काफ़ी टाइम निकल गया। और काफ़ी टाइम का मतलब था कि 15-20 दिन ऐसे हो गए कि वो निकल गए और दोनों ने बात नहीं की, वरना बातचीत तो होती रहती है फ़ोन के द्वारा। तो वैसे ही 15-20 दिन हो गए, और यहाँ पे बात चली हस्बैंड के रिटायरमेंट की, क्योंकि काफ़ी साल बीत गए ना। तो और हस्बैंड के पास ऑफर आई अर्ली रिटायरमेंट की। वैसे टाइम तो हो ही गया था, पर अर्ली रिटायरमेंट मतलब कुछ महीने पहले। तो हस्बैंड ने ना तुरंत ही ग्रैब कर ली ये ऑफ़र। और वैसे भी वाइफ के साथ 15-20 दिनों से बात नहीं हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि और 2-4 दिन मैं बात नहीं करता हूँ, और सीधा जाके ना सरप्राइज़ कर देता हूँ,
और इतनी खुश हो जाएगी, और अर्ली रिटायरमेंट भी ले लिया है तो अभी वापस भी नहीं जाना है, तो सोचो कितनी ज़्यादा खुश होगी। ये सोच के हस्बैंड आ जाते हैं घर पे। जब घर पे आते हैं तो पता चलता है कि वाइफ तो पिछले 15 दिनों से हॉस्पिटलाइज है और वो कोमा में चली गई है। कहीं गिर गए थे और उसके बाद वो कोमा में चले गए। बहुत नाराज़ हुए हस्बैंड, भगवान से बहुत सारी लड़ाई की, बहुत रोए, सब कुछ किया, पर खैर जो होना है वो तो होता ही है। तो उसके बाद ना हस्बैंड प्यार से रोज़ सुबह तैयार होके एकदम, एक जैसे कि वो होता है ना, एक नियम बना लिया था कि रोज़ सुबह तैयार होके हॉस्पिटल पहुंच जाते थे और पूरा पूरा दिन, शाम और रात होने तक वाइफ के साथ ही बैठते थे। और ऐसा ना कई दिनों तक चलता रहा। तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, जो नर्स थी, उन्होंने एक दिन पूछा कि आप रोज़ सुबह आ जाते हैं और शाम तक यहीं पे ही रहते हैं, जब तक कि हॉस्पिटल के मीटिंग आवर्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक आप रोज़ आते हैं और रुकते हैं, तो क्यों आप ऐसा करते हैं? क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है कि हम आपकी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखेंगे? तो हस्बैंड पलट के जवाब देते हैं, बात ख्याल रखने की नहीं है, बात प्रॉमिस की है। मैंने ना इससे प्रॉमिस किया था, ये रोज़ मुझसे लड़ती थी कि आप मेरी तरफ नहीं देखते हैं, आप मुझे टाइम नहीं देते हैं, यहाँ तक कि आपको ये तक नहीं पता है कि मेरे सूट का कलर कौन सा है, मैंने कल क्या पहना था। ये बहुत सारी शिकायत थी। तो मैं हमेशा कहता था कि रिटायर हो जाऊँगा तो तेरी सारी शिकायत दूर कर दूँगा। तो देखो अब मैं रिटायर होके आया हूँ और अब मैं सिर्फ इसको देखता हूँ, मैं घंटों घंटों तक इसको ही देखता हूँ। और इसने कौन से कलर का सूट कल पहना था, परसों पहना था या उससे पहले पहना था वो भी मुझे अब पता है, क्योंकि इसके सूट का कलर ब्लू ही हो चुका है। अब वो कलर चेंज नहीं होता है तो मुझे भी ना आसानी हो जाती है याद रखने में, क्योंकि हॉस्पिटल में जनरली मरीज़ लोगों को वो एक ब्लू कलर का कुर्ता जैसा पहनाते हैं, तो ये तो कभी चेंज नहीं हो रहा है, तो मुझे अब उसके कुर्ते का कलर भी याद है। और प्रॉमिस किया था कि रिटायरमेंट के बाद हमेशा साथ रहेंगे, घर ना सही हॉस्पिटल ही सही, अब बस हमेशा साथ रहेंगे। और ऐसा बोल के मीटिंग आवर्स जो थे वो ख़त्म हो गए और जो हस्बैंड थे वो चले गए, और वो नर्स उनको बस देखती ही रह गई। और उसको पक्का पता था कि कल फिर सुबह होगी और फिर से हस्बैंड प्यार से अपनी पत्नी के साथ आके ऐसे ही बैठेंगे और घंटों घंटों तक उसका हाथ पकड़ के उनको देखते ही रहेंगे। था ना बहुत ही खूबसूरत एंड, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।